अस्सलाम वालेकुम क्यू एन एस टी में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल। मैं हूँ पीरज़ादा शारिक। नाज़रीन किराम, इस वक्त के एक अहम रिपोर्ट के साथ मैं फिर से एक हाज़िरी खदमत आपको बता दें। सेंट्रल कश्मीर से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो अली महमद सागर के अहलिया का जो मकान है उसे मुनहदम कर दिया गया है। जैसा कि सभी लोग इस बात से वाकिफ है कि जम्मू और कश्मीर में जारी इंसदाद तजावजात की जो मुहिम चल रही है इसी के हवाले से इसी के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली महमद सागर की अहलिया का मकान बड़गाम ज़िला के हमहमा में था जो कि मुनहदम कर दिया गया है। और ये जो कार्रवाई की गई है महकमे रेवन्यू और लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर एक टीम तश्कील दी जो आज दोपहर हमहमा मुकाम पर पहुंची। वहां पर कायम अली महमद सागर की अहलिया का मकान था जिसे मुनहदम कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह ढांचा अली महमद सागर की अहलिया का था जो कि सरकारी आराजी पर खड़ा किया गया था। और मज़ीद बताया जा रहा है कि ये जो मकान था, ये जो ढांचा बनाया गया था, ये सिक्योरिटी अहलकारों के लिए गार्ड रूम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बड़ी खबर इस वक्त जो गश्त कर रही है और बताया जा रहा है कि जो बिल्कुल इस वक्त सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि अली महमद सागर की अहलिया का जो मकान है हमहमा इलाके में वो ये मुनहदम कर दिया गया है। और ये बड़ी कार्रवाई जो है इस वक्त सेंट्रल कश्मीर से जो हो रही है इस वक्त, इससे पहले भी कई इलाकों के वीडियोज़ हमने देखे हैं जिसमें सरकारी आराजी को निकाला जा रहा है और जो गैरकानूनी कब्जा वो हटाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही थी। और मजीद ताज़ा तरीन तफसीलात के लिए बने रहे क्यूएनएस टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।